तो दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। सामने आप देख सकते हैं जो माँ गंगा आज पूरी जो है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो है कह सकते हैं आप लोग पूरी सूखी हुई है गंगा। आज के जो है पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग अभी देख सकते हैं मैं हूँ मेन हाईवे पे, यहीं पे महादेव की ये मूर्ति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और सामने ये ब्रिज यहाँ पे, बाकी सामने ये है हमारा बैराज, भीमगोड़ा बैराज जिसे बोलते हैं हम। यहीं से जो हमारा गंगा जल आता है वो मेन हर की पैड़ी पे आता है। सामने भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो माँ गंगा की जो मूर्ति है बीच नदी में पूरी जो है खाली हो चुकी है यहाँ पे। बाकी गंगा का जल स्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जो है गंगा खाली हो चुकी है यहाँ पे। और अभी मैं लेके जाऊँगा यहाँ से आप लोगों को मेन हर की पैड़ी की तरफ कि वहाँ अभी के क्या हाल है। आज पूरी दूर दूर तक आप लोग इस टाइम जो है देख सकते हैं पूरी नदी जो हमारी सूखी हुई है। साथ जो हमारे आसपास कुछ लोग रहते हैं इसी तरह से, तो लोग यहाँ जो है सिक्के ढूंढते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दूर 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 तक आप लोगों को इसी तरह से यहाँ पे जो गंगा सूखने का जो कुछ लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। बाकी आप लोग अभी जो है हरिद्वार में देख सकते हैं हर की पैड़ी के पास आप लोग सामने जो हमारा शिव सेतु है वहाँ पे, और पूरी नदी जो है सूखी हुई है, खाली बीच में ही है थोड़ा सा जल, बाकी किनारे आप लोग इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जो है गंगा घाट हमारे सूखे हुए हैं इस टाइम का हरिद्वार का। आज जो है 24 अगस्त है दोस्तों हमारी। बाकी अगर आपका कोई भी रिलेटिव हरिद्वार हर की पैड़ी आना चाहता तो ये वीडियो आप लोग उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। गंगा का जो है अचानक सूखने से हमारे जो बाहर से काफ़ी श्रद्धा भाव के साथ हमारे श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे रहती है। इस टाइम यहाँ पे आप लोग बीच नदी में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोगों को जो है हमारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं गंगा जल लेना पड़ता है, वो लोग नहाने के लिए आते हैं इतनी दूर से, तो उन लोगों को थोड़ा यहाँ पर मुसीबत ज़रूर होती है, मुसीबतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और इसी तरह से आप लोग अभी जो हर की पैड़ी की तरफ मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, अभी मैं जो हूँ हर की पैड़ी की तरफ निकल रहा हूँ यहीं से घाट में ही, तो देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में जो हमारे श्रद्धालु अभी यहाँ पे भी घाटों पे पहुँचे हुए हैं। इसी तरह से हर की पैड़ी की जो बैक साइड का एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से, तो वो जहाँ पे जिन लोगों को जितना पानी मिल रहा है नहाने के लिए तो वहीं पे लोग जो है इस तरह से डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पे। और सामने यहाँ पे धनुष पुल का नज़ारा भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये मंजर जो आपको हर की पैड़ी पे बीच बीच में देखने के लिए मिलते रहते हैं, थोड़ा गंगा के यहाँ पे क्लीनिंग जो है प्रशासन के द्वारा भी होती रहती है। बाकी कब इस तरह से गंगा को रोक दिया जाता है कुछ नहीं कह सकते। अगर आप लोग फिर भी प्लानिंग कर रहे हैं हरिद्वार आने की तो आप लोग आ सकते हैं। अगर मैं दूसरी मेन जो हर की पैड़ी की तरफ की मुख्य धारा आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली जो है गंगा का जल नाम मात्र का रह गया है यहाँ पे अभी। और दिन का समय का ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी हर की पैड़ी, लोग जो है बीच में जहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए जगह मिल रही है तो वहीं पर लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। पूरा ये हर की पैड़ी का सामने से ब्रह्मकुंड का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। बाकी सामने जो ब्रिज है ये मेन हर की पैड़ी में यहाँ पे रहता है, जो गंगा आरती के समय काफ़ी प्यारा नज़ारा आप लोगों को यहीं से दिखाई देगा। दोस्तों मौसम जितना साफ है आज सुहाना है, हल्की उमस के साथ जरूर है यहाँ पे उमस, और काफ़ी जो है हर की पैड़ी पे यहाँ पे अभी काफ़ी संख्या में हमारे दूर दूर तक श्रद्धालु नज़र आएंगे आप लोग। बाकी गंगा घाटों की मैं बात करूँ तो ये नज़ारा आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे सामने देख सकते हैं, पूरी नदी जो है सूख चुकी है दोनों तरफ और लोग बीच बीच में जाके बिल्कुल गंगा नदी में यहाँ पर नहा रहे हैं। कुछ बीच में आप लोगों को कावड़ भी नज़र आएगी यहाँ साथ। आप लोग अभी दिन के समय ये देख सकते हैं बीच नदी में जो लोग होते हैं कुछ सिक्के वगैरह निकालते हैं, और जो नदी का जल स्तर जब बढ़ता है तो आप लोग इस रेत के टीले से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कितनी जो है बड़ा ये बीच में रेत का टीला है। सामने हमारा ये ब्रह्मकुंड और नदी का जल स्तर एकदम बिल्कुल कम हो चुका है यहाँ पर। दोस्तों यही वो जगह है हमारी धरती में एकमात्र जगह है जहाँ स्वयं वर्मा विष्णु और महेश जो है हरिद्वार हर की पैड़ी में विराजमान है। जो भैया लोग कोटा से काफ़ी दूर से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं आप लोग नदी जो है पूरी यहाँ पे सुखा। सबसे ज़्यादा जो परेशानी रहती है हमारी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी जो है दिक्कतें इस टाइम झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हरिद्वार आना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसी तरह से जो है जल एकदम नहीं सुखाया जाता है, बिल्कुल नहाने के लिए जो है हल्का फुल्का यहाँ पर जल हमेशा रहता है हर की पैड़ी पर। इसी तरह से भी हमारे श्रद्धालु आते हैं तो जहाँ जिसे मौका मिलता है नहाने का वो वहीं नहा लेता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं जो मेन जो पर्पस रहता है वो ब्रह्मकुंड में स्नान करने को ही हमारा मुख्य यहाँ पे माना जाता है। यही हमारा मेन ब्रह्मकुंड है और चारों तरफ का ये नज़ारा आप लोग दूर दूर तक देख सकते हैं। चीज़ और जो रहती है गंगा जल
कम होने का सबसे बड़ा फायदा ही रहता है। तो लोग जो है बीच नदी में जाके यहाँ पे नहा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक बच्चे को भी, छोटे बच्चों को यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा ये हमारा हरिद्वार हर की पैड़ी पे गंगा घाट का नज़ारा है यहाँ पे। भीड़ जो मेन हर की पैड़ी की अपोजिट साइड में ज़्यादा भीड़ आप लोगों को इस टाइम दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पानी का जो जल स्तर अभी थोड़ा ऊपर रहता है। बाकी सामने आप लोगों को बीच नदी में यहाँ पे जाते हुए नहाते हुए देख सकते हैं। तो काफ़ी श्रद्धालु जो हैं बीच नदी में जाके इस तरह से मस्ती करते हैं। तो इस तरह का आप ना करें, कभी भी पानी का जो है लेवल बढ़ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। तो दूर दूर तक बीच नदी में काफ़ी जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं इस टाइम, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हर की पैड़ी में क्लॉक टावर, बाकी पूरी जो सावन के टाइम पे यहाँ पे पूरा ये फर्श, यहाँ पे कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। इस टाइम आप लोग देख सकते हैं दिन के समय और सुबह ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहीं से आदमी स्नान करने के बाद मनसा देवी चंडी देवी के लिए चले जाते हैं यहाँ से। तो इस टाइम का जो नज़ारा दिन के समय हल्की उमस जरूर है यहाँ पर, बाकी दूर दूर तक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यात्री हमारे काफ़ी संख्या में है घाटों के किनारे। यहीं गंगा घाट के किनारे आप लोग दूर दूर से आए हमारे कुछ श्रद्धालुओं को इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, क्योंकि गंगा नदी का जो जल स्तर सूखा हुआ रहता है, तो आदमी लोग इतनी दूर से श्रद्धा भक्ति भक्ति के साथ इतनी दूर से आते हैं, तो थोड़ी देर जो है यहाँ पे बैठना भी जो है लाजमी होता है इन लोगों के लिए। बीच नदी में इस तरह से कुछ नज़ारे आप लोगों को यहाँ पर इस टाइम दिन के समय हर की पैड़ी का दिखाई देंगे। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से स्टॉल लगे हुए रहेंगे, जहां आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो है दान पुण्य यहां पे कर सकते हैं हर की पैड़ी के पास। और इसके साथ ही आप लोगों ने कभी सोचा ही होगा, सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से जो हर की पैड़ पे जब गंगा का जल सूख जाता है, तो इस तरह का ये नज़ारा यहाँ पे देखने लायक होता है। बीच में सिर्फ एक रेत का टीला है और चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग। यही मेन हर की पैड़ी के पास जो हमारा पुल रहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी संख्या में हमारे श्रद्धालु जो है काफी दूर दूर से आते हैं, कोटा राजस्थान बंगाल से आप लोग। और यहीं पे जो है माँ गंगा का ये नज़ारा आप लोगों के बीच, यहाँ पे हर की पैड़ी पूरी जो है जल धारा यहाँ पे इस टाइम सूखी हुई है, लेकिन सिर्फ जल इतना ही है कि आप लोग यहाँ पे स्नान जरूर कर सकते हैं। मेन पुल से आप लोग दूर दूर तक नज़र लगा सकते हैं किस तरह से जो इस टाइम हर की पैड़ी का ये नज़ारा यहाँ पे आप लोगों के बीच देखने के लिए। और इसी तरह की दोस्तों वीडियो आप लोगों को आगे मिलती रहेगी, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।